तो दोस्तों फाइनली कल यानी 18 नवंबर को दृश्यम 2 मूवी रिलीज हुई है। अगर मैं आपको सही से बताऊं तो मैंने दृश्यम मूवी नहीं देखी है, लेकिन फिर भी मुझे दृश्यम 2 मूवी समझ में आ गई है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दृश्यम 1 नहीं देखी है तो दृश्यम 2 की स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि दृश्यम 2 में हमें दृश्यम की कुछ बातें दिखाई जाते हैं जिसकी वजह से हमें दृश्यम 2 की स्टोरी समझने में आसानी होती है। अगर आपने 2014 में आई दृश्यम मूवी को देखा है तो आपको पता होगा कि जो कैरेक्टर्स आपने दृश्यम में देखे थे वही सेम कैरेक्टर्स आपको दृश्यम 2 में भी देखने को मिलते हैं। बस इस मूवी में अक्षय खन्ना ऐड हुए। अगर बात करूं इन सभी कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस की तो इन सभी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, और खास करके जो अक्षय खन्ना का रोल है वो उन पर काफी सूट भी कर रहा है। और अगर बात करूं इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी और ये मूवी लास्ट तक सस्पेंस क्रिएट करती है। लेकिन इस मूवी की स्टोरी की मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि ये मूवी रीमेक है। ओवरऑल इस मूवी का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों भी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आप अपने फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। और इस मूवी की स्टोरी को और इंटरेस्टिंग दिखाने में इस मूवी की बीजीएम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मेरा ओपिनियन बताओ इस मूवी को लेकर तो मैंने इस मूवी का ओरिजिनल वर्जन भी नहीं देखा है और साथ ही साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा है, फिर भी मैंने इस मूवी को काफी एंजॉय किया। अगर शॉर्ट में बताओ इस मूवी के बारे में तो एक इनोसेंट सी फैमिली मर्डर केस में फंस गई है, लेकिन उस वक्त कोई सबूत ना मिलने पर वो केस बंद हो जाता है और फिर से वो केस अभी 7 साल के बाद इन्वेस्टिगेट होता है। और अब अजय देवगन कैसे अपनी फैमिली को पुलिस से प्रोटेक्ट करते है वो सभी बातें हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। और जो लास्ट में हमें इस मूवी का क्लाइमेक्स देखने को मिलता है वो काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल ये मूवी काफी बढ़िया थी। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अच्छी लगी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।